श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 22 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि है। वहीं अब श्राद्ध पक्ष के मात्र कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा अशोकनगर मध्य प्रदेश में चल रही है। कथा में मिश्रा जी ने श्राद्ध पक्ष को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। जिन भक्तजनों ने इन 16 दिनों में सही से श्राद्ध दर्पण नहीं किया है, उनके लिए मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है। अब वह उपाय आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में पितरों को श्रद्धा से भोजन करवाकर खुश करना चाहिए। श्रद्धा से करवाया गया भोजन ही श्राद्ध कहलाता है। ऐसे में अगर कहीं भी अगर आपसे चूक हुई है, तो इन 16 दिनों का फल आपको बस एक ही उपाय से प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले अछूत 11 हरी इलायची लेनी है, जिसे घर कार्य में इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अगर आपके घर में यह इलायची उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार से भी मंगवा सकते हैं। आपको 11 इलायची लेने के बाद एक स्टील के लोटे में दूध लेना है। स्टील के लोटे में दूध लेने के बाद आपको किसी भी अपने नजदीकी शिव मंदिर में जाना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप दूध को तांबे के लोटे में मत लीजिएगा। तांबे के लोटे में दूध लेकर शिव को अर्पित किया जाता है तो वह विष के समान कार्य करता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यह बात अपनी कथा में कई बार बताई है, तो हमें इसका पालन भी करना ही चाहिए। आप स्टील के लोटे में दूध ले लीजिएगा और अपने साथ 11 इलायची लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइएगा। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको कुछ इलायची शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। वहीं आपको कुछ इलायची माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ानी है। शिव को 11 इलायची अर्पित करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो दूध का लोटा आप स्टील के लोटे में लेकर आए हैं, उसे महामृत्युंजय जाप करते हुए शिव को समर्पित करिएगा। इससे आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। पितृदोष घर से समाप्त होते हैं। घर में अगर आपको आपके पितृ लगातार परेशान कर रहे हैं तो दूध चढ़ाते वक्त महामृत्युंजय जाप करिएगा। दूध शिव को अर्पित करने के बाद आप शिव से कहिएगा कि हमारे पूर्वज को हम अगर इन 16 दिनों में सही से भोजन अर्पित नहीं कर पाए तो हमें माफ कीजिएगा। साथ ही अपनी मनोकामनाओं को भी शिव को बताइएगा। अर्पित की गई 11 इलायची में से आपको शिवलिंग पर से एक इलायची उठा लेनी है और प्रसाद के रूप में महादेव से वह इलायची मांगनी है। वह इलायची जब आप प्रसाद के रूप में खाएंगे, उससे क्या होगा कि आपके शरीर में हो रहे रोग नष्ट होते हैं, बीमारियां दूर होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और एक अलग ही ऊर्जा आपके चेहरे पर छलकेगी। महादेव की प्रसाद में इतना चमत्कार होता है, शायद आप भी यह जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस उपाय को कर बस एक ही इलायची प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा अभी अशोकनगर में चल रही है, उसके बाद मिश्रा जी की कथा मंदसौर में शुरू होगी। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तजनों मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर इस उपाय से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।